الرحمن الرحيم والسلام عليك يا رسول الله وعلى آلك وصحابك يا حبيب الله والسلام عليك يا نبي الله وعلى آلك وصحابك يا نور الله। आज का जो टॉपिक था वो बहुत ही इम्पोर्टेंट, वेरी इम्पोर्टेंट है। आज का जो टॉपिक है वो ये है, आज की दुनिया में जीना। हमने इस लफ्ज को अपनी हिस्ट्री, अपने दिलो दिमाग से निकाल दिया। वजह, हम अपने दिलो दिमाग में मुस्तकबिल की फिक्र करने लगे। हम अपने दिमाग में, अपने जहन में जो माजी जो गुजर चुका, हम उसकी फिक्र करने लगे। भाईजान, जो माजी में गुजर चुका, जो पीछे हाल गुजर चुके, जो मुस्तकबिल की फिक्र आप कर रहे हैं, वो भैया क्यों कर रहे हैं, इसकी वजह क्या है? आज का जो टॉपिक था वो बहुत अहम था, वो इस अतबार से था कि हम आज की दुनिया में जिए। आज की दुनिया में जीने से क्या मुराद? जैसे मैं आज ये वीडियो बना रहा हूँ, मैंने ये सांस लिया, ये एक जिंदगी है, सांस लेना। अब मुझे नहीं पता कि इस एक सांस लेने के बाद मैं दोबारा सांस ले पाऊँ या ना ले पाऊँ। हमें चाहिए कि हम इस दुनिया में आज का जो दिन है, आज का जो दिन है, हम उसको अच्छे अंदाज से गुजारें, हम उसको अच्छे अंदाज से बनाएं, उसमें अच्छे अंदाज से मेहनत करें, मुस्तकबिल की फिक्र करना छोड़ दे भाईजान। जैसे कि एक स्टीफन डी कॉलिक ने कहा था कि हमारी इंसान की जिंदगी बहुत अजीबोगरीब हो गई। वो कैसे? कि जब बच्चा होता है वो कहता है कि जब मैं बड़ा होगा तो ये करूंगा। वो जब बड़ा होता है तो वो कहता है जब मैं जवान हो जाऊंगा ना तब ये करूंगा। वो जब जवान होता है तो फिर वो कहता है जब मेरी शादी होगी ना तब मैं ये करूंगा। वो जब शादी होती है तो जब बुरा हो जाएगा तो कहता है जब बुरा हो जाएगा तब मैं आराम करूँ। भाई ये कैसी जिंदगी गुजार रहे हो? जब बंदा बुरा हो जाएगा उसके जिस्मानी जो अज़ा होंगे वो कमज़ोर पड़ जाएंगे। जब कमज़ोर पड़ जाएंगे तो उसको एहसास होगा। क्या एहसास होगा भाई जान? भाई जान एहसास तो यही होगा ना, तो ये कहेगा कि हर हर घंटा जो मैंने अपनी ज़िंदगी में ज़ाया कर दिया, हर हर घंटे में, हर हर मिनट का, हर हर सेकेंड का एक उसको एहसास होगा मैंने ये ज़ाया क्यों किया, यही तो ज़िंदगी थी। उस एक मिनट में, उस एक सेकंड में तो जिंदगी तो जो मैंने जाया कर दी। तो इसी वजह से मैं ये आपसे यही कहूँगा कि आज की दुनिया में जिए। आज का जो दिन है बहुत इंपॉर्टेंट है। अगर हम आज की दुनिया में जीने लग पड़े, जो माजी उसकी यादों को छोड़ दें, जो हो गया वो सो हो गया, जो मुस्तकबिल है उसकी फिक्र हम क्यों कर रहे हैं भाईजान? जब आप मुस्तकबिल और माजी इन दोनों को दरवाजे के बाहर फेंक देंगे ना, तो आप 100% आप डिप्रेशन का शिकार कभी भी नहीं होंगे। ये डिप्रेशन को दूर करने की भी बहुत प्यारी टिप है, सही बात है। आप जो है ना, सही बात है, ये छोड़ दे सब कुछ, माजी की याद, माजी को याद करना, मुस्तकबिल की फिक्र करना छोड़ दे, सही बात है, छोड़ दे।